नवरात्रि महोत्सव के आखिरी 5 दिनों में बंगाल में दुर्गा पूजा महोत्सव मनाया जाता है। हर वर्ष बंगाली संप्रदाय के लोग दुर्गा पूजा का इस महत्वपूर्ण त्यौहार को बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ दुनिया भर में मनाते हैं। 5 दिनों तक मनाए जाने वाले इस त्यौहार का आरंभ इस वर्ष 26 सितंबर से होकर समापन 30 सितंबर को होगा। इस विशेष पर्व को मनाने के लिए सबसे पहले दुर्गा माता की मूर्ति की स्थापना की जाती है, जो कुशल कारीगरों के द्वारा विशेष रूप से तैयार की जाती है। माता के सौंदर्य के साथ साथ इन मूर्तियों में माँ के सभी रूपों की भी झलक उकेर कर उनको एक भव्य रूप प्रदान किया जाता है। इस साल पूजा का आरंभ षष्ठी तिथि यानी 26 सितंबर से होना है। दुर्गा पूजा के पहले दिन पूजा के दौरान दुर्गा माता का सायंकाल के समय आवाहन किया जाता है, जिसे बोधन कहते हैं। बोधन के अगले दिन नवपुत्री का प्रवेश और महासप्तमी की पूजा का आयोजन किया जाता है, जिसमें विभिन्न पूजन सामग्री के साथ दुर्गा माता की पूजा अर्चना की जाती है, जो बंगाली संप्रदाय के लोगों के लिए एक विशेष मायने रखती है। नवपुत्री का प्रवेश और महासप्तमी पूजा पूर्ण होने के अगले दिन महाअष्टमी पूजा पर बलिदान और दुर्गा माता का श्रद्धा एवं आस्था से पूजन किया जाता है। इस विशेष पूजा को दुर्गाष्टमी भी कहा जाता है। दुर्गा पूजा में इस वर्ष 28 सितंबर को सायंकाल 7:07 से 7:55 के बीच में संधि पूजा और बलिदान का विशेष विधान है। इस पूजा के कुछ समय बाद ही संध्या आरती का अनुष्ठान भी संपन्न किया जाएगा। अगले दिन 30 सितंबर को प्रातःकाल दशमी पूजा विशेष रूप से की जाएगी। दशमी पूजा के बाद सुहागन औरतों द्वारा सिंदूर खेला जाता है, जिसे दुर्गा पूजा के समापन की एक विशेष प्रथा माना जाता है। सायंकाल में माता की उसी विशेष मूर्ति को विसर्जन के लिए किसी तालाब या नदी के किनारे ले जाकर जल में विसर्जित कर दिया जाता है। इसके बाद लोग एक दूसरे को गले लगाकर बधाई देते हैं, छोटे अपने बड़ों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं और सभी मिलकर विजयादशमी का स्वागत और नमस्कार करते हैं। इसके पीछे ये कथा प्रचलित है कि इस दिन माता अपने मायके से ससुराल वापस चली जाती हैं और पूरे साल भर सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रहती है। इस आखिरी अनुष्ठान के साथ ही 5 दिनों तक चलने वाले महापर्व दुर्गोत्सव का समापन हो जाता है। शारद दुर्गोत्सव के इन 5 दिनों के दौरान हर दिन सायंकाल में ढाक के वाद्य के साथ बड़े ही जोश और उत्साह के साथ संध्या आरती की जाती है। इस उत्सव के दौरान लोगों में एक नई उमंग का संचार देखने को मिलता है। नए नए कपड़ों में लोग विभिन्न जगहों पर और पंडालों में जाकर माता की झांकियां का लुत्फ उठाते हैं, जो इस विशेष उत्सव में और भी रंग भर देता है। बंगाल में ये 5 दिन सभी के लिए एक विशेष स्थान रखते हैं और इसके समापन के पश्चात भी लोगों को ये उम्मीद रहती है कि माता अगले बरस अपने मायके यानी धरती पर अवश्य आएंगी।